सावन के इस पवित्र महीने में पूरे देश में भोले बाबा के भक्तों का सैलाब नजर आता है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या छोटे बच्चे, सब कांवड़ में गंगा जल लेकर शिव शंकर का जलाभिषेक करना चाहते हैं। उनके लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी मायने नहीं रखती है। उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा कम नहीं होती है। और हम कांवड़ यात्रा के दौरान तरह तरह के रंग बिरंगी कांवड़ भी देखते हैं, जो हमारा मन मोह लेती है। साथ ही हम सोच में भी पड़ जाते हैं कि कुछ कांवड़िया तो कांवड़ को पकड़ते हैं, जबकि कुछ कांवड़ को रख भी देते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि कितनी तरह की कांवड़ होती है और इन कांवड़ का क्या महत्व होता है। दरअसल कांवड़ कई तरह की होती है। पहली कांवड़ होती है सामान्य कांवड़ यात्रा। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िये आराम करते हुए अपनी कांवड़ यात्रा को जारी रख सकते हैं। इसके लिए शिव भक्त कई जगहों पर कांवड़ियों के विश्राम की व्यवस्था करते हैं और कांवड़िये अपनी थकान मिटाकर फिर चल पड़ते हैं। भोले का नाम लेकर शिव भक्ति की कांवड़ यात्रा का दूसरा स्वरूप है डाक कांवड़। इस कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कांवड़िये बिना रुके अपनी यात्रा को तय करते हैं। इस दौरान कांवड़िये बिना आराम किए जल भरने से लेकर शिव मंदिर में शिव जलाभिषेक तक किसी भी जगह पर आराम करने के लिए नहीं ठहरते हैं और लगातार चलते रहते हैं। डाक कांवड़ियाओं के लिए खास इंतजाम भी किए जाते हैं। तीसरी कांवड़ होती है खड़ी कांवड़। कुछ शिव भक्त खड़ी कांवड़ का आयोजन करते हैं। इसमें कांवड़िये खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। यात्रा के दौरान उनका साथी पूरे समय उनके साथ रहता है। जब कांवड़ लेकर चलने वाला कांवड़िया थक जाता है तो उसका साथी कांवड़ को ले लेता है और वो अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान करता है। खड़ी कांवड़ की खास बात यही है कि इस कांवड़ को बड़े ही जोशीले अंदाज में निकाला जाता है। दांडी कांवड़ में भक्त नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरा करते हैं। कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये बेहद मुश्किल होती है और इसमें एक महीने तक का वक्त लग जाता है। दंडवत कांवड़ को सबसे कठिन बताया जाता है। ये कांवड़ विशेष मनोती पूरी होने पर लाई जाती है। इस कांवड़ यात्रा को कांवड़िये द्वारा लेटकर पूरा किया जाता है। कांवड़िये हरिद्वार से अपने निकटतम शिव मंदिर तक दंडवत करके कांवड़ लाता है। इसके लिए कांवड़िया बहुत पहले ही हरिद्वार से चल देता है। कांवड़ लाने के दौरान कुछ नियमों का भी पालन किया जाता है, जैसे कि यात्रा में नशा करना, मांस मदिरे का सेवन करना मना होता है। बिना स्नान के कांवड़ को हाथ नहीं लगाया जाता है। चमड़े की किसी वस्तु को नहीं छुआ जाता। कांवड़ को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना वर्जित होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी वाहन और चारपाई का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पर यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बम बम भोले के नारे के साथ कांवड़ यात्रा की जाती है।